आपको तो पता ही है हमसे भी ज्यादा, बहुत दिन से त्रिपुरा में कुछ अनरेस्ट चल रहा था और कुछ लोगों की वजह से ये डिसीशन महाराजा प्रद्युत को लेना पड़ा, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं छोड़ता, ये डिसीशन नहीं लेते। दिल में तो अभी भी हमारे लिए कांग्रेस के लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, क्योंकि हमारे फैमिली ने ये पहले से, हम लोग ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, कांग्रेस ने भी हमें मौका दिया लोगों की सेवा करने के लिए, पर कुछ लोगों की वजह से ये डिसीशन प्रद्युत जी को लेना पड़ा और उन्होंने भी बहुत सोच समझ के ये किया है, नहीं तो ऐसा डिसीशन वो नहीं लेते। पर फिर भी उनके टाइम में जितना कुछ प्रोग्रेस हुआ कांग्रेस में, पहले शून्य के बराबर ही था हमारा यहाँ रिप्रेजेंटेशन, ऑलमोस्ट 30% हो गया, जैसे कि आपने देखा लास्ट इलेक्शन में। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया, अपना पूरा जान लगाकर लोगों से मिलकर इतने शॉर्ट टाइम में इतना कुछ किया, पर इसके बदले में अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और अगर सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स होने से वो लोग इतना बड़ा त्याग जो उन्होंने दिया है इसको वो लोग भूल सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये ठीक बात नहीं है और इसी वजह से महाराज ने, प्रद्युत जी ने ये पद छोड़ा है। उनको मन में बहुत खराब लगा है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं और सबको पता है क्या कारण है, और अभी जाके आगे देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि हमारे बारे में है, एक्टिवली इन्वॉल्व तो हम कांग्रेस में सिर्फ अभी लोकसभा के समय से ही हम जुड़े हुए हैं, फैमिली तो जैसे मैंने बताया हम लोग प्रो कांग्रेस के थे ही, तो वैसा तो हम अभी अपने स्टेट में कांग्रेस को अच्छा करने के वो तो हम चाहेंगे ही, तो अभी रेजिग्नेशन के तो बात ही हमारा पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी एक फुल मैंने कोई पोस्ट नहीं लिया था स्टेट में, और किसी को हमारे पास आके कुछ हेल्प लेना है, पूछना है कुछ, तो वो सब तो हम डायलॉग वैसे हम कर सकते हैं, तो अभी मैंने ऐसा कोई डिसीशन नहीं लिया हुआ है, तो आगे जाके हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप कि कांग्रेस में भी थोड़ा यूनिटी आ जाए, ये सब यूनिटी नहीं आने से आगे जाके कांग्रेस के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, पूरे स्टेट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मेरा ये अपना सोच है।